दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस रिक्रूटमेंट का ये जो नेक्स्ट यहाँ पे मॉक टेस्ट रहेगा। और दोस्तों, बात करें हमारा जो सीरीज़ है मॉक टेस्ट की, वो चल रही है। हमारे चैनल को आप विज़िट करके आप पुराने 4 मॉक टेस्ट भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, आज का जो टॉपिक रहेगा वो ज्योग्राफी रहेगा। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, द नेम ऑफ डचिगम लिटरली स्टैंड्स फॉर हाउ मेनी विलेजेस। जो आपका डचिगम नेशनल वॉक है जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे कितने विलेजेस के ऊपर इसका नाम रखा गया है? ऑप्शन आपके गिवन है 12, 10, 20 या फिर 15। तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों, वो आपका बी पार्ट रहेगा। डच से आप 10 भी याद रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 10 यानी कि 10 विलेजेस के नाम के ऊपर जो डचिगम है वो यहाँ पे रखा गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, द पॉइंट एट विच द किशन गंगा ज्वाइंट्स द रिवर जेलम। तो कौन सा ऐसा पॉइंट है यहाँ पे किशन गंगा रिवर और जेलम रिवर मर्ज होती है, यहाँ पे मतलब ज्वाइन करती है एक दूसरे को? तो ऑप्शन आपके गिवन है मुजफ्फराबाद, लिद्रवत, संबल या फिर नरंग। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा दोस्तों, आंसर रहेगा, वो आपका ए पार्ट रहेगा, यानी कि मुजफ्फराबाद में जो किशन गंगा रिवर है और जेलम रिवर है ये यहाँ पे मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द जरकुल कनाल टेक्स द वाटर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। जो आपका जरकुल कनाल है, ये अपना जो वाटर है ये कहाँ से रिसीव करता है? तो ऑप्शन आपके गिवन है नाला सिंध, चिनाब, इंडस या फिर लेदर। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका नाला सिंध रहेगा, यानी कि ए पार्ट इज़ द राइट वन। दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, व्हेन ह्यूज अमाउंट ऑफ सीवेज इज डम्प्ड इनटू ए रिवर। यानी कि जब काफ़ी मात्रा में जो सीवेज है वो यहाँ पे रिवर में फेंका जाता है, तो इट्स बीओडी विल यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो क्या रहती है? तो देख सकते हैं, रिमेन अनचेंज्ड, स्लाइटली डिक्रीज्ड, रैपिडली डिक्रीज या फिर इंक्रीज। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं इसका यहाँ पे बता देता हूँ, जब ह्यूज अमाउंट ऑफ सीवेज जो है रिवर में डाला जाता है, तो इसकी जो बायोलॉजिकली ऑक्सीजन डिमांड है वो दोस्तों यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, यानी कि डी पार्ट इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इनमें से किसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है? ऑप्शन आपके गिवन है रिफोरेस्टेशन, सोशल फॉरेस्ट्री, अफोरेस्टेशन या फिर फोर्थ पार्ट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जूम कल्टीवेशन। जूम कल्टीवेशन। तो इसका जो दोस्तों आंसर रहेगा, ये आप देख सकते हो, स्लैश एंड बर्न जो एग्रीकल्चर है, इसका जो आंसर रहेगा वो आपका डी पार्ट रहेगा, यानी कि आपका जो जूम कल्टीवेशन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये डी पार्ट, जूम कल्टीवेशन इज़ द राइट आंसर। सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग सेड डैम्स एज टेम्पल्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया। यानी कि ये लाइन किसने कही है, टेम्पल्स डैम्स को टेम्पल यानी कि मंदिर कहा गया है मॉडर्न इंडिया का, वाइल इनोग्रेटिंग द वाखरा नंगल प्रोजेक्ट। जबकि यहाँ पे कहा गया, ये लाइन तब कही गई थी जब भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जो है इनोग्रेट किया गया था। तो ये लाइन किसने की थी, कही थी? तो यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन आपके गिवन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू रहेगा। अगर आपको पता था कि भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जो है किसने इनोग्रेट किया था, तो ये आपका सीधे सीधे आंसर आपका निकल जाना था, ए पार्ट इज़ द राइट वन। सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वेयर इज़ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट लोकेटेड। तो आपको यहाँ पे लोकेशन बतानी है। ऑप्शन देख सकते हैं, नागपुर, भोपाल, देहरादून या फिर न्यू दिल्ली। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका भोपाल रहेगा, यानी कि मध्य प्रदेश भोपाल में फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है वो आपको देखने को मिलेगा। एट्थ क्वेश्चन देख सकते हैं, ड्यूरिंग द विंटर सोलिस्टिस इन नॉर्थन हेमिस्फेयर द सन इज़ ओवरहेड। जब विंटर सोलिस्टिस चल रहा होता है नॉर्थन हेमिस्फेयर में, तब सन कहाँ पे होता है? इक्वेटर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, आर्टिक सर्कल पे या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे? तो दोस्तों, इसका जो आंसर रहेगा वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रहेगा, यानी कि बी पार्ट इज द राइट वन। नाइन्थ क्वेश्चन देख सकते हैं, IUCN स्टैंड्स फॉर, IUCN की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है। ऑप्शन देख सकते हैं आपके गिवन है, तो आप ये वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मैं इसका जो आंसर है आपको बता देता हूँ। इसका जो आंसर रहेगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये बी पार्ट देख सकते हैं यहाँ पे, जो राइट वन ये लग रहा है, तो बी पार्ट इज़ द राइट वन।
10th क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर इज जल्दा पारा नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है। जल्दा पारा नेशनल पार्क आपको कहाँ पे देखने को मिलता है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके गिवन है राजस्थान, महाराष्ट्र और उसी के साथ यहाँ पे देख सकते हैं हरियाणा या फिर वेस्ट बंगाल। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, सी पार्ट आपका हरियाणा और डी पार्ट यहाँ पे वेस्ट बंगाल। तो इनमें से आपको बताना है जल्दर जो जल्दर पारा नेशनल पार्क है ये कहाँ पे देखने को मिलता है। तो दोस्तों 10th ऑप्शन का जो क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो आपका डी पार्ट रहेगा, ये आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। डी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ एन इम्पैक्ट क्रेटर लेक ऑफ इंडिया। तो आप सभी को पता ही होगा ये जो है सिर्फ एक ही लेक है वो है लुनार लेक, ये आपको देखने को मिलती है। और दोस्तों ये जो इम्पैक्ट क्रेटर लेक इसलिए बोला गया है क्योंकि ये मिट्योर जो मिट्योर मिट्योर्स होते हैं आपके वो यहाँ पे जब धरती पे गिरते हैं तो उस इसी के कारण ये जो है लोनार लेक जो है इसका उद्गम यहाँ पे हुआ था। तो इसी के कारण ये जो यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं इसको मिट्योरिटिक लेक भी यहाँ पे बोला जाता है। तो ए इज़ द राइट वन। 12th क्वेश्चन देख सकते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया। ये आपको बताना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी न्यूज़ में रहा था। तो 12th क्वेश्चन का जो ऑप्शन आपके दिए गया है देख सकते हैं, दिल्ली मुंबई हैदराबाद पुणे या फिर दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, दिल्ली मुंबई बेंगलुरु कोलकाता या फिर मुंबई बेंगलुरु चेन्नई पुणे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता रहेगा, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता बी इज़ द राइट वन। ये कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, इस तरह का क्वाड्रिलेटर कह सकते हो कि इस तरह का जो रोड है ये देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल स्वीट वाटर लेक। ये आपको लेक का नाम बताना है। ऑप्शन आपके गिवन है देवर लेक, उमियाम लेक, दीपोर बिल या फिर शिलोई लेक। तो ये आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। तो 13 क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो आपका दीवर लेक रहेगा, एक आर्टिफिशियल स्वीट वाटर लेक है, ए इज़ द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ ईस्टर्न रेलवे जोन इन इंडिया। तो ईस्टर्न रेलवे जोन का हेड क्वार्टर यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन आपके गिवन है हंजीपुर, अलाहाबाद, कोलकाता या फिर गोरखपुर। तो दोस्तों उसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका कोलकाता रहेगा, यानी कि कोलकाता में आपको ईस्टर्न रेलवे जोन का हेड क्वार्टर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं, इंद्रावती रिवर इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर। तो इंद्रावती रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है ये आपको बताना है, गोदावरी, कृष्णा या फिर दोस्तों महानदी या फिर कबेरी। महानदी या फिर दोस्तों कबेरी, ये आपको बताना है इन चारों में से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका ए पार्ट रहेगा, गोदावरी इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं, नर्मदा रिवर द फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। नर्मदा रिवर जो है फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, फ्लोज थ्रू द विच स्टेट। यहाँ पे पूछा गया है किन किन स्टेट्स में ये गुजरती है। ऑप्शन आपके गिवन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गोवा। फिर मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एंड दिल्ली। फिर देख सकते हैं कि इसी तरह के आपको यहाँ पे स्टेट्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो मैं इसका जो आंसर है वो आपको बता देता हूँ दोस्तों, या इसका जो आंसर रहेगा ये दोस्तों 3 राज्यों से गुजरती है, एक मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र, डी पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, डी पार्ट इज़ द राइट वन। ये जो नर्मदा रिवर है इसका सही आंसर रहेगा। 17 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इंडिया फर्स्ट क्रिप्टोग्रामिक गार्डन इज़ इनोग्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। यहाँ पे ये आपको बताना है फर्स्ट क्रिप्टोग्रामिक जो आपका गार्डन है ये इनोग्रेट किया गया था उत्तराखंड में, आप सभी को पता ही होगा, लेकिन किस डिस्ट्रिक्ट में ये किया गया है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका देहरादून, यानी कि बी पार्ट इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद दोस्तों 18th क्वेश्चन की बात करें, 18th क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, विच प्लैनेट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका जो आप आंसर है आप दे सकते हो, तो मार्स इज द रेड प्लैनेट। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें यहाँ पे देख सकते हैं, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द वाखरा नंगल डैम बिल्ट। तो वाखरा नंगल डैम आपको बताना है किस रिवर जो है किस रिवर के ऊपर बनाया गया है।
तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर रहेगा वो आपका सतलज रहेगा, यानी कि डी पार्ट। सतलज रिवर पे आपको भाखड़ा नंगर जो प्रोजेक्ट है, डैम है, ये आपको देखने को मिलता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, वेयर वाज द अपीको इन्वायरमेंटल मूवमेंट। ये चिपको नहीं है, ये अपीको है, APIKO। अपीको इन्वायरमेंट मूवमेंट स्टार्टेड ड्यूरिंग द 1980s। ये 1980s में शुरू हुई थी, तो ये कहाँ पे हुई थी? तो ऑप्शन आपके गिवन है असम, उत्तराखंड, कर्नाटका या फिर राजस्थान। तो दोस्तों उसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका कर्नाटका रहेगा, सी इज़ द राइट वन। चिपको मूवमेंट कहाँ पे शुरू हुई थी ये आपका आज का सवाल है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना लास्ट में। बाकी दोस्तों यही थे आज के क्वेश्चन, इसी तरह के और मॉक टेस्ट आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।